सो हे गाइस, देव हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग आपके यूट्यूब वीडियोस के ऊपर थंबनेल सेट कर सकते हैं। तो अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार तू पागल वागल तो नहीं हो गया, इतने छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहा है, ये तो यार सबको पता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि यार हर दिन यूट्यूब बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, या फिर अभी बहुत लोग सोच भी रहे हैं कि मुझे यार यूट्यूब पे आना है, इसीलिए बहुत लोग अभी से ही जो तैयारी कर रहे हैं इन सारे वीडियोस देख के। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है ना कि हाउ टू सेट थंबनेल्स, तो ये ना मतलब जब कोई बंदा यूट्यूब ज्वाइन करता है तो सबसे मुश्किल काम ना यही होता है, थंबनेल सेट करना। ये हर एक बंदा का डाउट मतलब होता ही है पहले से ही। मेरा भी ये डाउट था जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था, तो मैं सोचता था कि यार ये थंबनेल कैसे सेट करते हैं यार। उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ नए क्रिएटर्स के लिए। तो यार अगर आप लोग एक नए क्रिएटर है या फिर आप लोग यूट्यूब पे आने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिए यार, पूरा वॉच कीजिए। तो चलिए आज के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार पहले बात करते हैं कि कैसे आप लोगों को थंबनेल सेट करना है। तो ये बहुत ही ईजी है। पहले आप लोगों को जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है यूट्यूब स्टूडियो। उसके बाद उस एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। उसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को ऐप को ओपन करना है और वहाँ पर आप लोगों को जो है साइन इन करना है, और वहाँ पर जो है आप लोगों का सारा वीडियो शो हो जाएगा। और यहाँ पर अभी मेन बात, यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद थंबनेल का ऑप्शन जो है शो नहीं होता है यूट्यूब स्टूडियो में। तो ये प्रॉब्लम शायद से बहुत लोग अभी भी फेस कर रहे हैं या फिर आप लोग फेस करने वाले हैं, ठीक है, अगर आप लोग यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को जो है चैनल को वेरीफाई करना है। चैनल को वेरीफाई करने के बाद ही जो है आप लोगों का कस्टम थंबनेल का ऑप्शन इनेबल होगा। तो चैनल को कैसे वेरीफाई करना है चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और चैनल वेरीफाई करने के बाद वहाँ पर वो कस्टम थंबनेल का ऑप्शन आता है कि नहीं वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोगों को चैनल को वेरीफाई करना है। सो गाइस, पहले यहाँ पर आप लोगों को ऑन करना है क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है www.youtube.com। ये सर्च करने के बाद मोबाइल वर्सन में यहाँ पर आप लोगों का यूट्यूब ऑन हो जाएगा, पर यहाँ पर आप लोगों को जो है डेस्कटॉप वर्सन में चाहिए। तो डेस्कटॉप साइट यहाँ पर ऑन करने के लिए आप लोगों को क्लिक करना है इस 3 डॉट के ऊपर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट पे जो है यूट्यूब ऑन हो गया है। तो यहाँ पर पहले आप लोगों को जो है साइन इन करना है, आपका जिस ईमेल एड्रेस से आपका यूट्यूब चैनल है उस ईमेल को यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं जो है पहले से लॉगिन हूँ, इसीलिए यहाँ पर ये मेरा लोगो बन के आ गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मेन जो बात है मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, यूट्यूब स्टूडियो बीटा वर्जन आने के बाद, ये डेस्कटॉप साइट करने के बाद मोबाइल में बहुत सारा पेजेस जो है मोबाइल में ऑन नहीं होता है, बहुत सारा पेजेस, ये वेरीफाई का पेज भी जो है ऑन नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट तरीका दिखाऊंगा। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को क्लिक करना है इस URL के ऊपर। URL के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्लिक करना है एडिट के ऊपर, एंड ये स्लैश के बाद आप लोगों को लिखना है फीचर्स, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सर्च कर देना है। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये पेज ऑन हो गया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है वेरीफाई के ऊपर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, कॉल मी और टेक्स्ट मी। तो यहाँ पर आप लोग के हिसाब से आप लोगों को एक चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ टेक्स्ट मी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है आपका फ़ोन नंबर देना है। चलो यहाँ पर मैं एक फ़ोन नंबर दे देता हूँ। फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे फ़ोन में एक OTP आ गया है, तो इसको मुझे कॉपी करना है और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है सबमिट के ऊपर। और गाइस यहाँ पर मेरा चैनल जो है वेरीफाइड हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, योर अकाउंट इज़ नाउ वेरीफाइड। और यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कस्टम थंबनेल का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल्ड हो गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को थंबनेल सेट करके दिखा देता हूँ। ऑन करते हैं यूट्यूब स्टूडियो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो अपलोड करके रखा है।
तो वीडियो के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक करना है एडिट के ऊपर, ये रहा एडिट का ऑप्शन, तो एडिट के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों को क्लिक करना है एडिट थंबनेल के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है कस्टम थंबनेल के ऊपर, और यहाँ पर आप लोगों का गैलरी ऑन हो जाएगा, और यहाँ से आप लोगों को एक थंबनेल चूज़ करके ओपन सिलेक्ट सेव, और यहाँ पर आप लोगों का थंबनेल सेट हो गया। अगर आप लोगों का चैनल वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप लोग जो है कस्टम थंबनेल ऐड नहीं कर पाएंगे, तो पहले आप लोगों को चैनल को वेरीफाई करना है। तो कैसे करना है मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।